सो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब मस्त होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में से एक बात करना हो वीवो Y53 के बारे में। इसमें आपको बताऊंगा कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग को कैसे ऑन करेंगे एंड इसको कैसे यूज करेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही कमाल करने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने। वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। सो गाइस, चलिए आज की इस वीडियो में बता देता हूँ आप कैसे इसमें कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग कैसे ऑन करेंगे एंड इसको यूज कैसे करेंगे। सो गाइस, चलिए इस वीडियो में बता। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर लगा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, स्टेप बाई स्टेप आप भी करेंगे तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा। सो गाइस, मैंने यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको सेटिंग में आना होगा। तो मैं आ जाता हूँ अपने मोबाइल के सेटिंग में। सो गाइस, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर फोन खोज लेना। तो मैं यहाँ से अपना फोन में चला जाता हूँ। सो गाइस, मैं यहाँ से अगर आपको सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से आपको खोज कर दिखाता हूँ। फोन में जाना होगा हमें यहाँ से। गाइस, मैं आ गया हूँ फोन में। फोन में आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले दिया रिजेक्ट कॉल विथ मैसेज, इसके नीचे दिया ब्लॉक लिस्ट, दिया इसके नीचे कॉल, सॉरी यहाँ पर रिकॉर्ड सेटिंग के बारे में दिया है। तो आपको जो रिकॉर्ड सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है तीसरे नंबर पर, तो हमें उस पर क्लिक कर देना होगा। सो गाइस, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे। अब इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर डोंट रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली, यहाँ पर भी मतलब कोई भी कॉल को रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है। लेकिन इसके नीचे आपको आएंगे यहाँ पर रिकॉर्ड ऑल कॉल्स ऑटोमेटिकली, अगर इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद इसमें बता रहा है कि आपके मोबाइल में जब भी कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति कॉल करेगा, चाहे न्यू नंबर से करे या आपके मोबाइल में कॉन्टेक्ट में नंबर हो, तो इन सभी कॉल को रिकॉर्ड कर लेगा। यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। और इसके नीचे अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ उसी नंबर को रिकॉर्ड करना चाहते हैं जो न्यू नंबर आया, फोन न्यू नंबर से फोन है उसी को कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करना होगा इस वीडियो में बता देते हैं। तो यहाँ पर करने के लिए आपको सबसे नीचे का जो ऑप्शन दिख रहा है रिकॉर्ड कस्टम कॉल ऑटोमेटिकली, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो सिर्फ उसी नंबर को रिकॉर्ड करेगा जो आपके मोबाइल में कॉन्टेक्ट में नंबर नहीं हो और नए नंबर से फोन आया, सिर्फ उसी को ही रिकॉर्ड करता है। सो गाइस, आप इसको जब रिकॉर्ड करेंगे उसका जो भी कस्टम होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पर मैंने अभी अगर आप उसमें जोड़ना चाहते हैं कि आप जिस नंबर से मतलब और कोई नंबर से रिकॉर्ड करना चाहते हैं, यहाँ पर प्लस का जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका नंबर जो भी होगा वहाँ से उस पर ओके करके आप भी कर सकते हैं, उस नंबर पे आकर रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। सो गाइस, इसको आप अगर इस्तेमाल करना चाहते तो कर सकते हैं। सो गाइस, मैं फिलहाल इसको इस्तेमाल करने वाला नहीं, तो मैं यहाँ पर इस पर कर देता हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो बस इतना। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।